अभी जो भी हुआ उसमें आपकी भी मर्जी थी ना पापा। आपने ही मां को रोका ना, तब भी आपकी जरूरत थी पापा। पापा भी चाहिए। पक्का? पापा भी चाहिए। आज भी आपकी जरूरत है। अब देखना, एक ना एक दिन माँ को यकीन दिलाकर ही रहूंगी कि मैं ही उनकी जान भी हूं। आप मेरे साथ हैं ना पापा? वेदिका वहां आ गई सिर्फ इसलिए आप अस्थियां वापस लेकर आ गई। कितनी मुश्किल से मनमाना था आपका और काम भी नहीं हुआ। देखिए कोई बात नहीं मयूरी जी, शायद गौतम को यही मंजूर था। और वैसे भी मैंने गौतम से वादा किया था कि अपनी दोनों बच्चियों के साथ ही ये अधूरा काम पूरा करूंगी। अरे रे, कितनी अभागी है ये औरत, दोनों बेटियां इसके पास होकर भी नहीं है। लड्डू लीजिए दीदी। अरे ये लड्डू किस लिए ले आया? सरस्वती जी के घाव पर नमक छिड़कने के लिए? मौसी नहीं, मैंने मंगाया। बहुत दिन से घर में बहुत सारी परेशानियां, स्ट्रेस चल रहा था। अभी अभी चाची को उनकी बेटी मिली, मैंने सोचा क्यों ना सबका मुंह मीठा कराकर थोड़ा स्ट्रेस कम कर दिया जाए। कहीं ये लड्डू खिला के तुम ये तो नहीं जाहिर करना चाह रहे हो ना कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? जी नहीं। हाय। अरे ये फिर आ गई? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब हमारे घर चली आती हो। अरे कुछ तो शर्म कर लो। शर्म तुम्हें आनी चाहिए कोयल, जानवी होने का दिखावा मैं नहीं कर रही हूँ, तुम कर रही हो कोयल राठी। मैं तो यहाँ अपनी फाइल लेने आई हूँ जो मैं इस घर में भूल गई थी। वो फाइल यहाँ छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती मैं, कहीं गलत हाथों में पड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लड्डू लीजिए दीदी। अरे वाह, कोयल और सागर के शादी के लड्डू। नो, इन्हें मत दो। ये लड्डू सिर्फ फैमिली के लोगों के लिए, वो नहीं खा सकते। बेसन के लड्डू तो मेरी जानवी के फेवरेट है ना, अपनी बिटिया को अपने हाथों से खिला दूं। लड्डुओं में काजू का पाउडर मैंने डलवाया है, जानवी और यामिनी दोनों को काजू से एलर्जी है। अगर आज लड्डू खाने के बाद कोयल पर कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ तो साफ हो जाएगा कि वो जानवी होने का ढोंग कर रही है। फिर ये शादी का झंझट भी खत्म, क्योंकि दादी तो ये बात मानने से रही, उन्होंने कोयल को जानवी मान लिया है, इसलिए यही एक रास्ता है मेरे पास। माँ के हाथ से खाने का मजा और ही होता है। मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ एक। तो और खा। बस बस ज्यादा मत खा, मोटी हो जाएगी। कोयल? क्या हुआ? कोयल? कोयल? कोयल क्या हुआ? अरे बेटा, अरे क्या हुआ कोयल? बेटा, अरे कोयल
किशन, कोयल, कोयल तुम ठीक हो? किशन पानी ला। मुझे लगता है इसे किसी चीज का ना रिएक्शन हो रहा है। इसे कोई एलर्जी प्रॉब्लम है क्या? कुछ कुछ भी खाने पीने से? कोयल बेटा तू ठीक तो है? अरे क्या हो क्या रहा है बेटा? क्या हो रहा है ये? इसको कोयल थूक दे बेटा, थूक दे जो मुंह में। कोयल कोयल आई ओके? अभी तो अच्छी बनी थी। कोयल क्या हो गया इसे? कोयल 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 अरे इसको स्टेशन पर। कोयल कोयल तुम्हारा खुद को। कोयल 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 डोंट वरी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कोयल कोयल आंखें खोलो। कोयल मुझे टाइटली पकड़ो ओके? कुछ नहीं होगा तुम्हें। इतने सारे गुण एक इंसान के अंदर कहां होते हैं? वे तुम्हारी नजर में मेरे लिए इतनी रिस्पेक्ट है, इतनी ऊंची जगह है सागर। नहीं वेदिका, तो तुम्हारे लिए क्या सोचता है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। संभालो अपने आप को। क्या चल रहा है दिमाग में? कोई नया प्लान? आप अपनी बात कीजिए राजेश्वरी मैम। एक इंसान जो इस पूरे परिवार को अपने मुट्ठी में करने और अपनी उंगलियों पे चलाने का दावा करता है, उसी परिवार के उसके लोग उसी के मुट्ठी से छूट रहे हैं, जैसे सागर और मेरी माँ सरस्वती जी। कब तक इस भ्रम में जियोगे? तुम्हारी सो कॉल्ड माँ सरस्वती जी हमारे कहने पर तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल सकती है। मैम आपकी प्रॉब्लम ही यही है कि आप किसी की पूरी बात सुनते ही कहाँ हो। मेरी माँ ये घर छोड़कर जा रही है। सुबह वो मेरे पिताजी की अस्थियों को शांत नहीं कर पाई। उन्होंने फैसला लिया है ये घर छोड़कर जाने का। अब देखिए ना, आपके फैमिली के दो दो लोग बगावत पर उतर आए हैं। अब क्या करेंगी राजेश्वरी मैम? घायल सिपाही बगावत नहीं करते। हंसो मत, इतनी जल्दी खुश मत होना, खेल अभी बाकी है। खेल तो अभी शुरू हुआ। निकलो। See you soon, राजेश्वरी मैम। राजू राजू कहाँ हो? क्या कहा तुमने हमें? क्या कहा हमें? क्या राजू? चाचू हम राजू लगते हैं। क्या करूं मतलब मेरा आपको आंटी जी कहना आपको पसंद नहीं है, माता जी कहती हूँ तो आप राजेश्वरी महेश्वरी नाम है हमारा। इतना लंबा नाम लेते लेते तो मैं जयपुर से उदयपुर पहुंच जाऊंगी। राजू में क्या बुराई है? इतना अच्छा लगता है सुनने में राजू। इस लोमड़ी की मुंह से कुछ भी कैसे अच्छा लगेगा? आपको कैसे पता? मैं भी आपके बारे में सेम टू सेम सोचती हूँ। क्या मैं कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि जानवी और यामिनी की तरह कहीं हम दोनों भी कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई बहनें तो नहीं है? राजू और मयू, एक को भगवान ने खूब सारा रुपया पैसा और पावर दे दिया और दूसरी को रूप और रंग। बस
जो कहने आई हो वो बको। संभाल के, संभाल के। कोयल बेटा आओ, कैसा लग रहा है, ठीक हो? अच्छा अच्छा बैठो। हाँ बैठ जाओ। जानवी बेटा तबीयत ठीक है? जी अब ठीक है। मैंने आप सबको एक खास बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है। कोयल मेरा मतलब है आपकी जानवी, उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, वो तैयार है सागर से शादी करने के लिए। सच मयूरी जी? हाँ 16 आने सच। What the hell? मैंने कहा ना आप लोग अपना ये नाटक बंद कीजिए। मैंने कई बार समझाया आप लोगों को कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा कभी नहीं हो सकता, फिर भी करेक्ट सागर बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन मां मैंने, सरस्वती हमारी इच्छा पूरी नहीं करोगे? अब तो जानवी ने भी हाँ कर दी है। लेकिन मैंने हाँ नहीं कहा है दादी। और मैंने भी नहीं। मैं ऐसे इंसान से अपनी बच्ची की शादी नहीं करवा सकती माँ, जो उसकी इज्जत नहीं करता, उस पर भरोसा नहीं करता, बल्कि इतना चिढ़ता है कि उसे जहर ही खिला दे। चाची माँ, आप सबने, इस परिवार ने मुझे क्या नहीं दिया, लेकिन मेरी अपनी बच्चियों को ढूंढने की जिद, फिर वेदिका का मेरी बेटी बनकर आ जाना, और फिर सच का हम सबके सामने इस तरह आ जाना, वो सच जिसके लिए मैं बरसों से तड़प रही थी और खाटू श्याम जी से अपनी बच्चियों के लिए मिन्नतें कर रही थी, इस सबके बाद अगर सागर कुछ कर बैठे क्योंकि वो नहीं मानना चाह रहा कि कोयल ही मेरी जानवी है, तो आप सब लोग और परेशान हो जाएंगे और ये मैं नहीं सह सकूंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।